पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 66 नए केस, लगातार तीसरे दिन एक मरीज की मौत। कांग्रेस छोड़ने वालों पर राहुल गांधी का निशाना, कहा डरने वाले बीजेपी में जाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व रक्षा मंत्रियों से की मुलाकात, एलएसी पर चीन की स्थिति पर दिया स्पष्टीकरण। पीएम मोदी ने गुजरात में की रेलवे परियोजनाओं की शुरुआत, वडनगर स्टेशन का हुआ कायाकल्प। तीन दिवसीय यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी, योगी सरकार पर पंचायत चुनाव को लेकर साधा निशान। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा धरने पर बैठ गईं। बता दें कि कांग्रेस की यूपी मामलों की प्रभारी प्रियंका जीपीओ पर धरने पर बैठी और पंचायत चुनाव में धांधली और प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। महासचिव प्रियंका गांधी ने करीब एक घंटे से ज्यादा गांधी प्रतिमा के पास मौन धारण रखा। इसके बाद उन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय के लिए वो रवाना हो गए। बता दें कि इतने लंबे मौन धरने की जानकारी पहले से किसी को नहीं थी। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और बड़ी संख्या में अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस तरह से पंचायत चुनाव में अराजकता हुई है, जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई है, प्रियंका जी ने आज माल्यार्पण करके महात्मा गांधी के चरणों में, वो उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से गुंडागर्दी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के राज में, उसके खिलाफ आज वो मौन धरने पे बैठे हैं। प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच चुकी हैं और गांधी प्रतिमा पे धरने पे बैठ गई हैं। जो आपको हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर काफी उत्साह भरा हुआ है, साफ तौर पे देखा जा सकता है। जो कार्यकर्ता हैं वो मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बलिया दौरे के बाद नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के पलिया गांव पहुंचे। राम गोविंद चौधरी पीड़ित परिवार से मिले और उनका दुख दर्द साझा किया। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं बुलंदशहर में पब्लिक स्कूल वेलफेयर समिति के सभी शिक्षकों ने इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वेलफेयर समिति के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण एक साल से स्कूल बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से अध्यापकों और बच्चों के सामने परेशानी आ रही है। ग्रामीण इलाकों में आर्थिक स्थिति से कमजोर अभिभावकों को सबसे ज्यादा परेशानी है। 95% अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करवाने में वो असमर्थ हैं। उनका कहना है कि कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए स्कूलों के संचालन की अनुमति प्रदान की जाए। जालौन में वैक्सीन न होने पर ग्रामीणों और छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हंगामा करने वाले लोगों का कहना है कि वो काफी दिनों से वैक्सीनेशन सेंटर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली। इसके बाद वैक्सीन के न होने की जानकारी मिलते ही छात्रों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना की पीआरओ को फोन के जरिए व्हाट्सएप पर धमकी दी गई, जिसमें पीएम, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए समेत आर्मी चीफ को जान से मारने की धमकी दी गई है। जिस मोबाइल से धमकी भरे मैसेज भेजे गए हैं वो पाकिस्तान का है। मंत्री के पीआरओ और पूर्व बीजेपी महामंत्री कानपुर नगर राकेश तिवारी ने बताया कि व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज आया है और उस मैसेज में कई लोगों को टारगेट में रखने के लिए कहा गया है। कानपुर देहात में मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में मंडल के समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में आयुक्त महोदय ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की प्रगति में सुधार लाएं और शासन की शीर्ष प्राथमिकता वाले कार्यक्रम में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। प्रदेश में एक तरफ मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, वहीं रायबरेली में महिला थाना पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब महिलाएं महिला थाने में ही सुरक्षित नहीं है,
थाने में कहासुनी के बाद पति पत्नी में जमकर मारपीट होती है और इस दौरान थानाध्यक्ष मूक दर्शक बने खड़ी रही। इसके बाद विवाद को बढ़ता हुआ देखकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया। वहीं कानपुर में कल्याणपुर इलाके में करंट लगने से सफाई कर्मी की मौत हो गई। बता दें कि कल्याणपुर पनकी रोड पर बने रेस्टोरेंट के बाहर जाली पर करंट लगाया था और इसी जाली में चिपक कर सफाई कर्मी की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों ने रेस्टोरेंट के बाहर शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया और बाद में जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। गोरखनाथ पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी द्वारा अपराधियों लुटेरों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान में गोरखनाथ और क्राइम ब्रांच पुलिस के संयुक्त प्रयास से 9 अंतरप्रांतीय लुटेरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। इन लुटेरों ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 2 जुलाई को 2 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। पहली घटना गोरखनाथ क्षेत्र के विस्तार नगर में एक महिला के साथ चैन लूट की घटना थी। दूसरी घटना उसी दिन सुमेर सागर में एक व्यापारी से 1.5 लाख रुपए करीब 1 बजे लूट लिए गए, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ ने इन लुटेरों के पूरे गैंग को पकड़ने के लिए तेज तर्रार टीमों का गठन किया और एक एक गतिविधि की लगातार मॉनिटरिंग करते हुए करीब 9 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। अंतर्राज्यीय गैंग है ये, चेस मैचिंग, टप्पेबाजी, लूट आदि घटनाएं कार्यरत करते थे ये लोग और ये अलग अलग राज्यों के हैं। जिले में इन्होंने 4 घटनाएं इन्होंने की हैं, जिसमें से 3 घटनाएं गोरखनाथ की हैं और 1 घटना पीपीगंज की है। महिला भी गैंग का एक अभिन्न अंग है और ये बिहार के रहने वाली है, उम्र 40 वर्ष, ये भी इनके साथ ही घटना। अलीगढ़ के तहसील इगलास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र इगलास में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा कर्मियों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन इगलास अधीक्षक को सौंपा, जिसमें संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले किए जा रहे प्रदर्शन में भाग लेने और संगठन के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य बहिष्कार पर जानकारी दी। वहीं ज्ञापन इगलास स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक कुलदीप रायपुरी को देते हुए संविदा कर्मचारियों ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया। सुल्तानपुर में पुलिस ने शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया बदमाश ट्रक ड्राइवर 20,000 की लूट समेत कई मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस ने लुटेरे के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, लूटी गई टीवी, बाइक समेत लूट के 2,000 रुपए भी बरामद कर लिए। फिलहाल शातिर लुटेरे से पुलिस की पूछताछ जारी है। ये 27 मई को यहाँ कोतवाली नगर के दीप नगर मोहल्ले में एक अध्यापक के घर में घुसकर तमंचे के नोक पर, अध्यापक का नाम दिलीप पांडे और उनकी पत्नी का नाम संध्या पांडे था, एक अभियुक्त ने उनके घर में घुसकर तमंचे की नोक पर उनके घर की मोटरसाइकिल, उनके घर का टीवी और पत्नी के गहने ये चोरी किए। सीतापुर में रलामू बैंक से पैसे निकालकर जा रहे एक व्यक्ति को कुछ अज्ञात बदमाशों ने रोक लिया, उसके बाद रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी मिश्रक के नेतृत्व में फौरन कार्रवाई शुरू कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रामगढ़ मोड़ के पास से पुलिस ने घटना में संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब अभियुक्तों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। क्योंकि पूरा 1,60,000 रुपए की का जो लूट हुई थी उसमें जो इनके हिस्से पैसा आया था उसमें से लगभग 1,11,400 रुपए पूरे के पूरे बरामद हो गए। पूरा पैसा 3 पार्ट में बांटा गया था, 1/3 पैसा पवन ने लिया था, 1/3 पैसा बालबचारी के पास था है हाउ और 1/3 मनीष लेके चला गया था। तो दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए, उनके पास से 1,11,400 रुपये इसमें बरामद हो चुके हैं और जो गाड़ी जिससे लूट हुई थी जिसमें कुछ निशान भी थे लाल रंग की, वो गाड़ी बरामद हो गई और उसी गाड़ी के बगल के बैग से, कैरी बैग से एक नंबर प्लेट बरामद हुआ जिसको लगा के लोगों ने लूट लिया। हमीरपुर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। राठ कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने एक घर में हाथ साफ कर लिया। तकरीबन 15 लाख की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। वहीं एक फौजी के घर से सूटकेस में रखी रिवॉल्वर और 10 कारतूस लेकर भी चोर फरार हो गए। लोगों का कहना है कि जनपद में चोर और लुटेरों को पुलिस का खौफ नहीं रह गया। आए दिन लूट और चोरी की घटनाएं होती हैं, अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। गोरखपुर में छात्रावास की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने
विश्वविद्यालय के प्रशासनिक गेट के सामने धरना दिया। साथ ही छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। वहीं अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर आजमगढ़ में रेलवे स्टेशन पर अब नई व्यवस्था लागू की गई है और अब ट्रेन से जुड़ी तमाम जानकारियां एक निजी कर्मचारियों की टीम लोगों को देगी। इस नई व्यवस्था के तहत ट्रेन कब आएगी, कितनी देर में निकलेगी, ये जानकारियां इसी एजेंसी के कर्मचारी लोगों तक पहुंचाएंगे। इसी कड़ी में आजमगढ़ में रेलवे स्टेशन का पूछताछ केंद्र पर 4 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। इन कर्मचारियों को 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही है, जिससे यात्रियों को 24 घंटे पूछताछ सुविधा का लाभ मिल सके। बहरहाल रेलवे की इस पहल से यात्रियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। यात्री फोन पर वेटिंग ना करते हुए सीधे जानकारी पूछताछ केंद्र से ले सकेंगे। रेलवे में कर्मचारियों की कमी कहें या यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा, बता दें कि प्राइवेट एजेंसियों को 3 साल का ठेका दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। इसी को लेकर गोरखपुर में जिला चिकित्सालय के SIC ने अस्पताल का जायजा लिया, जहां चिकित्सालय की व्यवस्थाएं ठीक ढंग से की थी। मरीज और उनके तीमारदारों को कोरोना के बारे में बताया और समझाया गया। अस्पताल में आने वाले सभी लोगों से अपील की जा रही है कि आप मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। चिकित्सालय के SIC ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला चिकित्सालय पूरी तरह से सतर्क है। हमारी सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और यहां पर साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं बदायूं के दातागंज क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दहेज के मामले को लेकर युवक की हत्या की गई है। हत्या करने के बाद आरोपी ससुर मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना क्षेत्र दातागंज में ग्राम सिमरी बौरा में एक बहन के ससुराल पहुंचे उसके भाई को उसके ससुर ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके संबंध में थाना दातागंज में अभियुक्त पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्त की गिरफ्तारी। आजमगढ़ में एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है। यहां महिला अस्पताल की स्थिति इतनी खराब है कि मरीजों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। जानकारी मिली कि इस बार अस्पताल में नवजात शिशु ने अपनी जान गंवा दी। इस मामले पर अस्पताल के स्टाफ ने सफाई पेश की, लेकिन कहा गया कि अस्पताल में न तो बेड बचे और न ही कोई डॉक्टर मौके पर इलाज के लिए मौजूद है। पीड़ित परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया। वहीं अस्पताल के प्रशासन का कोई भी व्यक्ति इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बेड यहाँ 10 फुल था पूरा, इसलिए जगह नहीं मिली, और 2 बेड जो है वो कोविड के लिए रखा गया है, कोविड बच्चों के लिए। 10+2 12 है ना, मैडम ठीक है, यहाँ हजारों बच्चों का वो होता है, यहाँ पर 10-12 बेड है, आपको नहीं लगता है समस्या ये? अब जितना यहाँ पर नॉर्म है, जितना कैपेसिटी है, उस हिसाब से है ये। बढ़ाने को अगर बढ़ाया जाएगा, ऑर्डर आएगा, तो पढ़ा सकते हैं। मेडिकल कॉलेज है बगल में, कोविड सेंटर बनाया गया, इसमें वहाँ पर कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़कर जाते हैं पीएम आवास योजना की हकीकत के साथ, जहां पर लोगों को सिर छुपाने के लिए छत देने का दावा तो किया जा रहा था, लेकिन बड़े बड़े आंकड़े भी जारी कर दिए, लेकिन असलियत कुछ और ही दिखाई दे रही है। मामला हरदोई से है, जहां लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। आप खुद ही देखिए इस रिपोर्ट। पीएम आवास योजना में बड़ी धांधली, आशियाने का ख्वाब हुआ हवा, प्रधान की वजह से चल रहा वसूली का खेल, गरीब बेचारे अब किसके सहारे। हरदोई के कोंथावा ब्लॉक की ग्राम पंचायत पिपरी में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जमकर धांधली की जा रही है। महदेवरा पिपरी अमरगंज इलाके के लाभार्थियों द्वारा बताया गया कि ब्लॉक से लेकर ग्राम पंचायत तक प्रत्येक आवास दिलाने के नाम पर 10 से 15 हजार रुपए की वसूली की जा रही है, और वसूली के नाम में जब शिकायत जनपद के उच्च अधिकारियों से की गई तो इस मामले का कोई भी हल नहीं निकला। अधिकारियों ने लोगों की बात को ही अनसुना कर दिया। लाभार्थियों ने बताया कि हाल ये हो गया है कि मुख्य विकास अधिकारी नए नए नियम को लागू कर रहे हैं और वे सिर्फ योजना का लाभ पाने के लिए। एक तरफ प्रदेश सरकार गरीबों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन पात्र ठगी और राजनीति का ही शिकार हो रहे हैं।
अब जानकारी मिल रही है कि ब्लॉक कोथावा की ग्राम पंचायत पिपरी में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर नई सूची में नाम शामिल कराने के लिए प्रत्येक लाभार्थी से 10 से 15 हजार रुपए की वसूली की तैयारी की जा रही है। अपात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास का तोहफा दिया गया है और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पहले भी आवास की सुविधा मुहैया कराई जा चुकी है। कहा जा रहा है कि ग्राम प्रधान की वजह से वसूली का ये खेल चल रहा है और तो और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा तो यहाँ तक कह दिया गया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्ड साथ लेकर आए तभी उनकी समस्या सुनी जाएगी। लड़के का आवास काट दिया गया है और महेंद्र प्रधान ने काट दिया है। जब मैंने लिस्ट में नाम देखा तो उसमें कटा दिखा, सबका पेमेंट हो रहा है, सबसे पैसे वसूल रहे हैं, सबकी किताबें अपने घर में रख रहे हैं, ले ले जा करके। तो हमने पूछा हमारी किताब क्यों नहीं ली जा रही है मेरे लड़के की, तो उन्होंने कहा तुम्हारा जब नंबर आएगा तब देंगे। वहाँ नाम था पीपल सूची में, वो हमारा रामू प्रधान ने डाला था, उसके बाद महेंद्र प्रधान हुए, रंजित के कारण हमारा नाम काट दिया गया। मैं आवास लायक हूँ, मैं 7 भाइयाँ हूँ, 7 बीघे मेरे पास खेत है, मैं झोपड़ी बना के रहा हूँ, भाई ने बनवाया है पक्का, हम यहाँ खेती किसानी करते, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने नहीं बनवा पाया। गए वहाँ CDO साहब के वहाँ गया था तो उन्होंने मैं कहा कि मैं जब पेश किया गया तो उन्होंने कहा कोरोना का टीका लेकर कार्ड लेकर आइए तब मैं तुम आपकी समस्या का हल करूंगा। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह से अगर गरीबों का हक मारा गया तो लोग किसके सहारे रहेंगे और PM आवास योजना में पैसों की अगर वसूली होगी तो लाभार्थियों को अपना आशियाना आखिर कब मिलेगा। ये अपने आप में बेहद ही गंभीर सवाल है। वहीं देखना अहम होगा कि इन लाभार्थियों की सुनवाई आखिर कब तक होती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम TV।